दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन है जिसके थ्रू आप कैश विड्रॉल यानी पैसा निकालना चाह रहे हैं और आप बिगनर हैं, आपको पता नहीं कैसे निकाला जाता है, तो टोटली तरीका मैं आपको गाइड करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से हम कैसे कैश विड्रॉल करते हैं, कैसे पैसा निकालते हैं। तो बिना किसी देर इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, आपको अच्छे से सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे। और हमें यह भी पता है कि बहुत सारे भाई बहन को पता होगा बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो जिनको पता हो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जिन भाई बहन को सीखना है इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट जिंक्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन के पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और पैसा निकालने के लिए हमें क्या करना है पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप फॉलो करिएगा और आपका बैलेंस अभी निकल जाएगा। एटीएम मशीन में आने के बाद आपको कार्ड यहाँ पर लगाना है, देखिए जहाँ पर मैं एरो दिखा रहा हूँ यहीं पर कार्ड को लगाना होता है और कार्ड को कुछ ऐसा पकड़ना है जैसा देख पा रहे हैं जो तीर दिख रही है, वो तीर आगे की तरफ होना चाहिए, यानी चिप जो है चिप आगे की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने कार्ड को इंसर्ट कर देना है, लगा देना है। जैसे कार्ड को लगाएंगे थोड़ा सा इंतज़ार करना है, देखिए कार्ड लगा दिया मैंने, और उसके बाद आपके डिस्प्ले पर ऑप्शन आएगा भाषा चुनने के लिए, इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषा में आप प्रेफर कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे इंग्लिश भाषा को चूज करूँगा। जैसे इंग्लिश भाषा पे क्लिक करेंगे, यदि टच वाला आइटम है तो टच करिए ना, उसके सामने वाले बटन को दबा दीजिए। तो इंग्लिश पे मैंने बटन दबा दिया, दबाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहे हैं बट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेकेंड नंबर पर राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है विड्रॉल का, इसी विड्रॉल वाली बटन पर हम दबा देंगे, ठीक है, इसके सामने वाली बटन दबा देंगे। जैसे दबाएंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है अनेबल टू प्रिंट, मतलब अगर आप पर्ची नहीं है और आप ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, हाँ ठीक है हम करना चाह रहे हैं, तो यस वाली बटन पे दबा देंगे, यस वाली बटन पे दबा देंगे। और यस वाली बटन पे दबाने के बाद पूछेगा फ्रॉम करंट, फ्रॉम सेविंग, फ्रॉम यहाँ पे क्रेडिट, तो आपको सेविंग, अक्सर सबका अकाउंट सेविंग ही होता है तो फ्रॉम सेविंग पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रॉम सेविंग पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद आगे ऑप्शन आएगा प्लीज़ इंटर होल अमाउंट, कितना पैसे आप निकालना चाह रहे हैं। तो यदि आपका यूनियन बैंक का ही एटीएम कार्ड है तो आप 20,000 एक बार में निकाल सकते हैं, यदि दूसरे बैंक का एटीएम है तो आप 10,000 एक बार में निकाल सकते हैं। तो मुझे तो खैर 3,000 निकालना, तो 3,000 मैंने भरा और भरने के बाद करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे कीबोर्ड रहता है उसी मदद से भर दीजिएगा बैलेंस और भरने के बाद करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जैसे करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका गुप्त अंक का जो पिन है वह पूछेगा, तो आप पिन यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा, ओपनी पिन 4 अंक वाला, और आफ्टर वाले पे प्रेस ईयर पे क्लिक कर दीजिएगा, देखिए एरो दिखा रहा हूँ उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आफ्टर पिन प्रेस ईयर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा प्लीज वेट व्हाइल योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, तो थोड़ा सा इंतजार करना है, ट्रांजेक्शन हमारे आगे की तरफ बढ़ रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। तो अब देखिए नीचे यहाँ पे डब्बा जो दिख रहा है ना बॉक्स टाइप से, अभी यहाँ से पैसा निकलेगा और पैसा निकलने के बाद 15 सेकंड के अंदर पैसा ले लेना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं, पैसा आ गया, पैसा निकल गया देख सकते हैं। अब इस पैसे को 15 सेकंड के अंदर घींच लेना होता है बाहर, नहीं तो पैसा अंदर चला जाता है। तो इसको ले लीजिएगा पैसे को, पैसे को लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, पैसे को लेने के बाद अब यहाँ पे एटीएम मशीन में लाल कलर की कैंसिल या क्लियर की बटन होगी, उसको दबा दीजिएगा, अपना एटीएम कार्ड आप ले लीजिएगा और उसके बाद अब पैसा अच्छे से रख लीजिए और अब आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा ताकि आपको याद रखें। बाय बाय।